गणेश चतुर्थी का लोग बेसब्री से इंतजार कर अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं और फिर अपनी श्रद्धानुसार सही दिन देखकर बप्पा को विदा करते हैं। इस पर्व में गजानन महाराज की खूब सेवा की जाती है। तरह तरह के पकवानों से गणपति को भोग लगाया जाता है और सभी भक्त भक्तिमय हो जाते हैं। इसी क्रम में जनपद मुरादाबाद के नवीन नगर स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी गणपति महोत्सव की काफी धूम रही और श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में सुबह शाम बप्पा की पूजन आरती और कीर्तन करते देखे गए। इसी के बाद आज 7 दिन पूर्ण होने पर नाचते गाते हुए बप्पा की प्रतिमा को विसर्जित किया और अगले बरस वापस आने की प्रार्थना की। इस दौरान सभी श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए और गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही रामगंगा नदी पहुंचकर श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान श्री गणेश महाराज की मूर्ति का विसर्जन किया। मैं हमारे यहाँ गणपति बप्पा की स्थापना हुई थी और ये हम लोग पिछले 6-7 वर्ष से लगातार करते चले आ रहे हैं। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ होती है, सुबह हम उनकी 10 बजे आरती और उनका पूजन करते हैं। प्रतिदिन शाम को कीर्तन होता है और रात्रि उनकी आरती होती है, जिसमें समस्त ग्रामवासी सम्मिलित होते हैं और खूब धूमधाम से आज हमारे सभी भक्तों ने मिलकर के गणपति बप्पा की यात्रा शोभा यात्रा निकाली और आज यहाँ सीएल गुप्ता गंगा जी पर उनका हमने विसर्जन किया है। श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए गणपति बप्पा के जयकारों से नगर का वातावरण गूंज उठा। बताते चलें कि श्रद्धालुओं में सूरज सक्सेना, संजय गुप्ता, मंजू सक्सेना, नमिता, शालिनी, नीरू आदि लोग मौजूद रहे। हमारे प्राचीन शिव मंदिर पे गणपति जी की मूर्ति का स्थापना की गई थी, उसमें बहुत रौनक लगाई। आज 6-7 दिन हो गए, इसमें बहुत कीर्तन और भजन मंडली सबने अच्छा किया। वहीं इस मौके पर मोहिनी, अनन्या, आकृति, ऋषभ, अनमोल, हिमांशु, अर्चना, ध्रुव, सुनीता, सोनल आदि भक्तगण बप्पा की शोभा यात्रा में झूमते देखे गए। मैं अभिव्यक्ति सिन्हा और आज हम मौजूद हैं रामगंगा नदी के तट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गणेश महोत्सव जारी है। यहाँ हर रोज श्रद्धालु अपने अपने गणेश जी की प्रतिमा लेकर सर्जित करने आ रहे हैं। हमने जो है ज्यादा अंदर नहीं गए, हम लोग हमने थोड़े से पानी में ही वहीं पे विसर्जित कर दिए। तो पुलिस वाले भी आए हुए थे और अच्छे प्रशासन का इंतजाम है। हमारे प्राचीन शिव मंदिर नवीन नगर में गणपति जी की स्थापना की थी, उसका आज विसर्जन हुआ।